बात करते हैं एक और चीज की, जो शनि का रत्न है जिसे कहते हैं नीलम, और नीलम के नाम से लोग बहुत डरते हैं कि नीलम पहनने से लोगों के मन में यह धारणा है कि नुकसान ही होता है, और नीलम अगर नुकसान कर जाए तो जीने मरने का प्रश्न पैदा हो जाता है, ऐसा भी लोग कहते हैं, ऐसा भी लोग समझते हैं। आइए बताते हैं कि नीलम का शनि के साथ क्या कनेक्शन है। देखिए, नीलम शनि का प्रधान रत्न है और तुरंत प्रभाव देता है, कभी कभी तो घंटे भर में भी नीलम का प्रभाव सामने आ जाता है, इसीलिए लोग इसको धारण करने से, पहनने से डरते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि अनुकूल हो और जीवन में आप तेजी से उन्नति करना चाहते हो तो नीलम धारण करना आपके लिए बहुत उत्तम होगा। नीलम शनिवार की रात को पहना जाएगा, लोहे या चांदी की अंगूठी में पहना जाता है, राइट या लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में। लेकिन पहनने के पहले उसकी जांच कर लें। कैसे जांच करें? अपनी दाहिनी भुजा में नीलम को नीले कपड़े से बांध लें और नीले कपड़े में इस तरह बांधें कि नीलम आपके शरीर को टच करता रहे। रात भर सो जाइए। अगर आपको नींद ठीक आती है, नींद में कोई डरावने सपने नहीं आते, नींद डिस्टर्ब नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप उस नीलम को बनवाकर पहनिए। और अगर आपको दिक्कत होती है, नींद में प्रॉब्लम हो रही है, नींद नहीं आई, घबराहट बेचैनी हो रही है, चिंता तनाव हो रहा है, तो आप दूसरा नीलम ला करके जांच करिएगा, क्योंकि नीलम अपना स्वामी खुद चुनता है। इसीलिए हो सकता है कि एक नीलम आपको फायदा ना करे, लेकिन दूसरा नीलम आपने टेस्ट किया तो वो आपको फायदा पहुंचा सकता है। देखिए, नीलम जितना नीला होगा उतना ही ज्यादा उत्तम होगा। वैसे नीलम भी तीन चार वर्ण के होते हैं, ब्राह्मण वर्ण, वैश्य वर्ण, क्षत्रिय वर्ण, शूद्र वर्ण, इस वर्ण के भी नीलम पाए जाते हैं। ब्राह्मण वर्ण का नीलम बहुत हल्का होता है और शूद्र वर्ण का जो नीलम होता है वो बहुत नीला होता है, और सबसे ज्यादा प्रभावशाली जो नीलम होता है जिसमें कलर जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा नीलम अच्छा होगा। जिस नीलम में लाल रंग का बिंदु हो, नीलम में बिंदु हो सकता है, उससे इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी भी नीलम में लाल रंग का बिंदु हो तो ऐसे नीलम को कदापि धारण मत करिएगा। जिस नीलम में लाल पॉइंट होता है उसे खूनी नीलम कहते हैं, और खूनी नीलम धारण करने से निश्चित रूप से जीवन में दिक्कतें पैदा होती हैं, निश्चित रूप से जीवन में दिक्कतें आ जाती हैं। इसीलिए आपको नीलम भले ही सूट करता हो, नीलम आपको भले ही फायदा पहुंचाता हो, लेकिन खूनी नीलम पहनने से बचिएगा, क्योंकि ये सामान्यतः किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकता। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि नीलम पहनने के पहले आप सलाह लीजिए और सोच समझ करके अगर आप नीलम धारण करेंगे तो आपको नीलम पहनने से फायदा होगा। जिन लोगों को न्यूरो प्रॉब्लम है, नर्व की प्रॉब्लम है, पार्किंसंस है, या जिनके ऊपर पैरालिटिकल अटैक हो चुका है, थोड़ा बहुत ब्रेन स्ट्रोक हो चुका है, ऐसे लोग सलाह लेकर के अगर नीलम धारण करें तो उन्हें नीलम धारण करने से विशेष लाभ अवश्य होगा।